नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला राजवंश संगम वंश के बारे में जानेंगे। भाई, पिछली वीडियो के माध्यम से भी हमने संगम वंश के शासकों के बारे में जाना था कि उन्होंने किस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य में अपना शासन किया था और इनके शासन से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाते हैं, उनके बारे में चर्चा की थी। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। विजयनगर साम्राज्य, कौन सा? विजयनगर। और इस पर किसने सबसे पहले शासन किया था? संगम वंश के राजाओं ने। समय कितना था? 336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने, और 485 ईस्वी तक यानी संगम वंश के राजाओं ने ही शासन किया था। लगभग सबसे ज्यादा, लगभग 149 वर्ष विजयनगर पर शासन किया था। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़े तो विजयनगर साम्राज्य पे संगम वंश ने शासन 149 वर्ष किया था। उसके बाद में आ जाता है इस पर शासन करने के लिए सलुबु वंश, उसके बाद में तलुबु वंश, और सबसे लास्ट में जो आता है वो आरविडु वंश। लगभग इन चार राजवंशों ने 300 सालों से ज्यादा तक विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था। तो इन्हीं शासकों ने किस प्रकार से शासन किया था, उन्हीं के आधार पर हम चर्चा करेंगे। तो अब जो हम केवल जानेंगे, भाई पिछली वीडियो के माध्यम से हमने संगम वंश के राजाओं के बारे में जाना, और इस वीडियो के माध्यम से भी, क्योंकि इनका जो शासन था संगम वंश के राजाओं का विजयनगर पर सबसे ज्यादा था, तो उनके बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो के माध्यम से हमने इनके कुछ राजाओं को कवर किया था, ठीक है, उनके बारे में जाना था, और जो राजा बच गए थे वो हम इस वीडियो के माध्यम से उन्हें कवर करेंगे कि भाई उनके शासन के दौरान ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बात करते हैं कि जब हरिहर द्वितीय का शासन था, क्योंकि हरिहर द्वितीय तक हम पिछली वीडियो के माध्यम से कवर कर चुके हैं, अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि उनके बाद में कौन से राजा बनते हैं और उनके समय में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी। क्योंकि क्वेश्चन जो पेपरों में पूछे जाते हैं, इनके शासन के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं उन्हीं के आधार पर पूछा जाता है, उससे बाहर नहीं पूछा जाता। तो मेरे प्यारे साथियों, जब हरिहर का शासन था, हरिहर द्वितीय का, तो वो ही पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने एक नई परंपरा शुरू की थी। वो क्या? क्योंकि संगम वंश में होता क्या था कि एक राजा के मरने के बाद उसका भाई सिंहासन पर आसीन होता था, यानी उसका भाई राजा बनता था। लेकिन हरिहर द्वितीय ने इस परंपरा को तोड़ते हुए और नई परंपरा शुरू करते हुए अपने पुत्र यानी उत्तराधिकारियों को नियुक्त कर दिया, गवर्नर बना दिया। अब इससे होता क्या है कि दूसरे जो बुक्का द्वितीय थे वो इस चीज से नाराज होते हैं, और वो जो हरिहर द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? विरूपाक्ष। विरूपाक्ष को ये गवर्नर बना देते हैं, शासन को सौंप देते हैं। तो इससे जो बुक्का प्रथम है वो नाराज हो जाता है और वो विरूपाक्ष को गद्दी से हटा देता है, और गद्दी से हटाकर अब शासन किसके हाथ में हो जाता है? बुक्का प्रथम के में। लेकिन वो ज्यादा दिन शासन नहीं कर पाते, और उनके बाद में जो शासन करने आते हैं वो आते हैं आपके सामने देवराय प्रथम। देवराय प्रथम जो कि 1406 ईस्वी में राजा बनते हैं, बुक्का प्रथम के बाद, ये आपने याद करना है, और 1422 ईस्वी तक ये शासन करते हैं, ठीक है, यहां पर लिखा भी हुआ है। जब ये राजा बनते हैं तो इनके समय में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। सबसे पहली घटना कि विजयनगर और बहमनी जो राज्य हैं, इनका आपस में हमेशा, जब से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी तभी से इनका आपस में संघर्ष होता था।
तो इसका राजा कौन था उस समय जब ये देवराय प्रथम सुल्तान बनते, तो इनके जो राजा थे वो फिरोज शाह बहमनी थे। इनके राजा बनते ही फिरोज शाह बहमनी इन पर आक्रमण कर देते हैं 1406 में, और इसमें होता क्या है वो हार जाते हैं। फिरोज शाह बहमनी नहीं, देवराय प्रथम हार जाते हैं, और देवराय प्रथम की हार का कारण होता क्या है, इन्हें हार के रूप में हर्जाने में 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए बांकापुर की जागीर यानी बांकापुर का क्षेत्र दहेज के रूप में, और अपनी पुत्री का विवाह इनसे करना पड़ता है। हालांकि फिरोज शाह से ये जो शादी हुई थी ये पहली बार शादी नहीं थी उत्तर भारत, सॉरी दक्षिण भारत में। इससे पहले भी एक शादी फिरोज शाह बहमनी कर चुके थे, किससे, खरेला के शासक से। खरेला के शासक से पहले भी शादी हो चुकी थी, यानी वो भी एक राजनीतिक शादी थी, समझौता करके ताकि आगे युद्ध की कोई गुंजाइश ना रहे। उसके बाद में होता क्या है, जो देवराय हैं ये क्या करते हैं, ये खरेला वारंगल के राजा को लालच देते हैं कि भाई आप अगर मेरे साथ मिल जाओगे तो हम फिरोज शाह को हरा देंगे, और जो खरेला की जो जागीर है, जो संपत्ति है, क्षेत्र है, उसे हम आधा आधा बांट लेंगे। ये उन्हें लालच देते हैं, और होता भी यही है कि वो दोनों मिलकर क्या करते हैं, फिरोज शाह को हरा देते हैं। अब फिरोज शाह हार जाते हैं, ठीक है ना। फिरोज शाह जब इसमें हार जाते हैं, इसके बाद में ये उस क्षेत्र में फिर कुछ नदियों पर बांध भी बनाते हैं, हरिद्रा नदी पर भी बनाते हैं, ठीक है ना, सिंचाई की वजह से। तो हम इनके बारे में जानेंगे, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो शुरू करते हैं कि देवराय प्रथम 1406 ईस्वी में राजा बनते हैं, और 1422 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। राजा बनते ही जो अभी हमने आपको जानकारी दी थी कि इनके सामने एक चुनौती खड़ी हो जाती है, वो क्या, ब्राह्मणी राज्य से। और बहमनी राज्य में शासन कौन करता था, बहमनी राज्य में फिरोज शाह बहमनी। फिरोज शाह बहमनी से इनका संघर्ष होता है, और जो संघर्ष होता है वो इतिहास में किस युद्ध के नाम से जाना जाता है, सोनार की बेटी। याद रखना, देवराय प्रथम जी के शासन के दौरान 1406 ईस्वी में घटित घटना है, ये पेपरों में पूछी गई भी है, इसके ऊपर पेपरों में क्वेश्चन पूछा भी गया है। सोनार की बेटी का युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है, फिरोज शाह देवराय प्रथम को हरा देते हैं। अब देवराय प्रथम हार जाते हैं तो उन्हें अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमनी से करना होता है, करना पड़ता है, इससे फिरोज शाह बहमनी से, और हरजाने के रूप में 10 लाख रुपए भी देने पड़ते हैं, और युद्ध की भविष्य में गुंजाश ना हो कि भाई आगे से ये शायद हम पे युद्ध ना करें, इसके लिए क्या करें, तो वो इन्हें बांकापुर, बांकापुर का क्षेत्र भी और 10 लाख रुपए भी दे देते हैं, भाई आगे से हमारे तुम्हारे बीच में कोई युद्ध नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, ये मान जाते हैं। दहेज के रूप में इन्हें मिल जाता है, दहेज के रूप में दे देते हैं फिरोज शाह को, जाओ ले लो पर आगे से युद्ध ना करना, क्योंकि हार चुके थे, हार गए थे, तो दूसरा सुल्तान जो जीता हुआ था वो जो कहेगा वो मानना पड़ेगा आपने। इसके बाद में होता क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया कि फिरोज शाह से जो एक शादी थी वो एक पहले भी फिरोज शाह से शादी हो चुकी है, राजनीतिक शादी कह सकते हैं हम उसे, क्यों, खरेला का जो शासक था उसने अपनी पुत्री की शादी देवराय प्रथम से भी पहले कर चुका था वो, यानी बहमनी जो राजा था फिरोज शाह, इसने खरेला के शासक को भी हराया था, तो उसने भी अपनी पुत्री की शादी उसके साथ कर दी थी। अब होता क्या है, जो देवराय हैं, देवराय प्रथम, ये वारंगल के शासक जो थे, उनसे मैंने बोला ना आपको कि ये उसे लालच देते कि हम खरेला की संपत्ति बांट लेंगे, क्षेत्र को बांट लेंगे, आप आ जाओ मेरे साथ, हम दोनों मिलकर इस फिरोज शाह को हराते हैं। होता भी है, दोनों मिल जाते हैं, मिल जाते हैं तो क्या होता है, फिरोज शाह की हार होती है, फिरोज शाह को ये हरा देते हैं, और अब इनका खरेला से, खरेला पर
पुनः अधिकार हो जाता है, यानी आधा उनका और आधा वारंगल के शासक का। ठीक, इनके बाद में होता क्या है कि 1410 ईस्वी में देवराय प्रथम 1410 ईस्वी में भाई इनके शासन के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी, भाई क्वेश्चन उनके आधार पर ज्यादा पूछे जाते हैं, तो हम महत्वपूर्ण घटनाएं जानेंगे आखिर कौन कौन सी हैं। तो 1410 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी पर, एक तो हो गई तुंगभद्रा नदी, दूसरा हरिद्रा नदी पर ये क्या करते हैं, बांध बनाते हैं ताकि सिंचाई हो सके, जो हमारे साम्राज्य में पानी का अभाव है, भाई क्यों बांध बनाएंगे, पानी रोककर क्यों नहरें निकलवाएंगे, वो इसलिए ताकि जिस क्षेत्र में पानी की आपूर्ति है वहां पर पूर्ति की जाए, जहां सिंचाई नहीं होती वहां सिंचाई की जाए, जिससे कृषि की पैदावार हो, किसानों को रोजगार मिले और हमें राजस्व मिले, इसलिए तो इन्होंने क्या जनता के हित के लिए, किसानों के लिए क्या करे, तुंगभद्रा नदी पर और हरिद्रा नदी पर बांध बनाए और जनता के लिए पानी का, यानी पूरे साम्राज्य के लिए पानी का जो अभाव था उसे खत्म किया। ये खुद भी विद्वान थे और विद्वानों का आदर भी करते थे, उन्हें संरक्षण भी देते थे। तो इनके दरबार में इनके जो राज दरबारी कवि थे वो कौन थे, वो तेलुगु कवि थे इनके राज दरबार में, जिनका नाम था श्रीनाथ, याद रखना क्या था, श्रीनाथ। इन्होंने हरिविलास की रचना की थी, ठीक है। और इनके समय में और कौन सी घटना घटी, क्योंकि भाई खुद विद्वान थे तो इसलिए विजयनगर इनके समय में क्या था, विद्या का केंद्र, ठीक है ना। इनके समय में ये चीज याद रखना, यहां से क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है, क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आपको पक्का कराएंगे, ठीक है। वो मैं क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा कि भाई आखिरकार क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। आप चाहें तो उदाहरण के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन दे सकता हूं कि ये जो इतावली यानी इटली का जो यात्री है निकोलस कोमटी, किसके शासन के दौरान विजयनगर आया, क्वेश्चन इस प्रकार से भी हो सकता है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी हो सकता है कि देवराय प्रथम के समय में कौन सा विदेशी यात्री विजयनगर के भ्रमण पर आया। क्वेश्चन इस प्रकार से भी हो सकता है कि जो निकोलस कोमटी है ये कौन से समय, विजयनगर का कौन से राजा के समय में विजयनगर आया। क्वेश्चन इस प्रकार से, यानी शब्द वही है लेकिन उनको एग्जामिनर जो घुमा फिराकर पूछ सकता है, तो ठीक है। इनके बारे में भी हम आगे जब इनके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा उन्हीं के आधार पर हम समझाने की कोशिश भी करेंगे। अभी जानते हैं इनके अंतर्गत विस्तार से। तो देवराय प्रथम के समय में इतावली यानी इटली यात्री निकोलस कोमटी विजयनगर की यात्रा पर आया था, ये इनके शासन के दौरान महत्वपूर्ण घटना थी, किसके, देवराय प्रथम जी के। इनके बाद में जो शासक बनते हैं कौन बनते हैं, देवराय द्वितीय, जो कि 1422 ईस्वी में राजा बनते हैं और 1446 ईस्वी तक शासन करते हैं। ये शक्तिशाली शासक थे देवराय से भी, हैं? शक्तिशाली शासक थे। तो इनको क्या क्या नाम से पुकारा जाता था, यानी इन्हें, इन्होंने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी। तो देवराय द्वितीय ने इमाड्डी देवराय पिरोड देवराय और महान देवराय की उपाधियां धारण की थी, ये आप नोट कर लेना, क्योंकि इन उपाधियों से भी संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछा जाता है। पौराणिक आख्यानों की अगर हम माने, पौराणिक हिंदू धर्म में जिस प्रकार से पौराणिक साहित्य होता है उनके अनुसार जनता इसे को क्या कहती थी,
जनता इन्हें इंद्र का अवतार मानती थी। इनको पौराणिक पौराणिक दंत कथाओं के अनुसार या आख्यानों के अनुसार आप कह सकते हैं इंद्र का अवतार, और अभिलेखों के अनुसार मैं आपको वो हर चीज समझाने की कोशिश करूंगा जहां से क्वेश्चन पेपरों में बनते हैं, यहां से पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं इनकी उपाधियों से, ठीक है ना, कि इन्होंने कौन कौन सी उपाधियां धारण की कृष्ण देवराय द्वितीय ने। दूसरा, पौराणिक दंत कथाओं या पौराणिक आख्यानों के अनुसार कृष्ण देवराय, ये जो सॉरी कृष्ण देवराय ना, देवराय द्वितीय को किस नाम से जाना था? इंद्र का अवतार। अभिलेखों में इनके लिए क्या कहा गया है? तो अभिलेखों में इन्हें गजवेटकार, क्या? गजवेटकार की उपाधि मिली हुई है। ये अभिलेख इस चीज को प्रमाणित करते हैं। गजवेटकार मतलब हाथियों का शिकारी। ये उपाधि किसको दी गई है? देवराय द्वितीय को। इनके समय में देखो, देवराय प्रथम के समय में इटली यात्री निकोलस कॉम्टी, याद रखना, क्वेश्चन मिलान के लिए इनसे आते हैं, यात्रियों से और राजाओं से, राजाओं के नाम होते हैं और उनके समय में जो यात्री भ्रमण के लिए आते हैं उनके नाम होते हैं क्वेश्चन में एक तरफ, और सम्मिलित कीजिए उनके मिलान के लिए क्वेश्चन पेपरों में आते हैं, इसलिए मैं दोबारा से दोहरा रहा हूं, ठीक है। इनके समय में, प्रथम के समय में इटली से यात्री आए थे निकोलस कॉम्टी, और देवराज द्वितीय के समय में कहां से आए थे? फारस, फारस का दूत यानी ईरान। फारस को क्या कहते थे? ईरान। पहले ईरान का नाम क्या था? फारस था। क्या दूत कौन था? अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक और पुर्तगाली, पुर्तगाली कौन था? नूनिज। नूनिज एक याद रखना, फारस का राजदूत अब्दुल रज्जाक और पुर्तगाली नूनिज। नूनिज जो है वो विजयनगर की यात्रा पर आए थे, यानी विजयनगर में भ्रमण के लिए आए थे, ये चीज आप याद कर लेना। इनका क्या कहना है? नूनिज, नूनिज जो है, नूनिज के अनुसार वो क्या कहते हैं देवराय द्वितीय के बारे में? ये देवराय द्वितीय के बारे में कहते हैं कि लंका पर, किवलौन पर, पुलिकट पर, पेंगू और तेंसिरिम से, यानी कि तेंसिरिम के राजाओं के क्षेत्र कौन कौन से, यानी ये इतने शक्तिशाली थे कि इन्होंने विजयनगर साम्राज्य को बहुत ज्यादा विस्तृत कर दिया था, और इनके जो अधीन थे वो कौन कौन से थे? लंका, किवलौन, पुलिकट, पेंगू, तेंसिरिम, ये वो क्षेत्र थे, यानी इन क्षेत्रों के जो राजा थे वो विजयनगर साम्राज्य के राजा देवराय द्वितीय के अधीन थे। क्यों? क्योंकि इनसे, इन राजाओं से देवराय द्वितीय कर मिलता था, यानी इनसे कर वसूल करते थे, यानी ये इतने शक्तिशाली थे, ठीक है। देवराय द्वितीय को, देवराय द्वितीय ने इनके बाद में कौंड बिंदु, कौन सा क्षेत्र? कौन बिंदु पर भी अपनी विजय प्राप्त की थी, यानी और विजयनगर साम्राज्य को आगे बढ़ाया था। ये अपने आप में विद्वान थे, विद्वानों का आदर करते थे, उन्हें संरक्षण भी देते थे, ठीक है। तो ये इन्होंने दो संस्कृत ग्रंथ, देवराय द्वितीय ने दो संस्कृत ग्रंथ महानाटक, कौन सा महानाटक? सुधानिधि, याद रखना कौन सा नाटक है? महानाटक सुधानिधि और बद्रायण। बद्रायण की क्या थी? बृहासूत्र पे इन्होंने टीका लिखी थी, यानी इन्होंने संस्कृत के दो नाटकों पर टीकाएं लिखी थी, और वो नाटक कौन कौन से थे? महानाटक सुधानिधि और बद्रायण की बृहासूत्र, यहां से भी क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है। अब मैंने आपको जहां जहां क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में मैं आपको जानकारी देता चलूंगा, भाई राजदूतों से, उपाधियों से
और कौन कौन से भ्रमण पे लिए आए, ठीक है, और ये इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ या किन किन पर इन्होंने टीकाएं लिखी, यहां से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया। और राजाओं के नाम और उनके समय, समय से संबंधित कि कौन से राजा ने किस समय शासन किया, मिलान के लिए क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इनके बाद में जो शासन करने आते हैं वो मल्लिकार्जुन आते हैं। मल्लिकार्जुन 1446 ईस्वी से राजा बनते हैं और 1465 ईस्वी तक वो शासन करते हैं। मल्लिकार्जुन को इतिहास में क्या प्रौढ़देवराय के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? प्रौढ़देवराय। याद रखना मेरे प्यारे साथियों, एक देवराय दुत्य ने प्रौढ़देवराय की उपाधि धारण की थी। क्या उपाधि धारण की थी? ये हो गई देवराय दुत्य की उपाधि। और एक ये जो है मल्लिकार्जुन, उनको प्रौढ़देवराय के नाम से जाना जाता है। यानी देवराय दुत्य की तो उपाधि थी और मल्लिका अर्जुन को प्रौढ़देवराय के नाम से जाना जाता था। इनके समय में जब ये राजा थे तो इन्होंने उड़ीसा और बहमनी राज्य, किसको? उड़ीसा और बहमनी राज्य ने इन पर आक्रमण किया, मल्लिका अर्जुन पर आक्रमण किया और इन्हें हराया भी उन्होंने, ठीक है। इनके ही समय में किसके, याद रखना ये क्वेश्चन भी पेपरों में पूछा जा चुका है चीनी यात्री का, याद रखना किनके समय में, मल्लिका अर्जुन के समय में चीनी यात्री महुआन, क्या महुआन, यानी 1451 ईस्वी, मैंने इसलिए सन भी लिखा है कि महुआन 1451 ईस्वी विजयनगर की यात्रा पर आए थे, ठीक है, यात्रा पर ये आए थे। इसके बाद में क्या होता है कि इनके बाद में जो विरूपाक्ष दुत्य, भाई इनका शासन अब यहां समाप्त हो जाता है। यहीं से समझ लीजिए कि जब इन पर उड़ीसा और बहमनी राज्य आक्रमण करते हैं तो यहां से संगम वंश का विलुप्ति पतन शुरू हो जाता है। यहां से हो तो क्या है, इसके बाद में क्योंकि देवराज दुत्य तक तो इनका बहुत ज्यादा विस्तार था, ठीक है ना, अब्दुल रज्जाक ने तो उनके बारे में यहां तक बताया कि इनका क्षेत्र बहुत विस्तृत था और इन्हें कर कहां से मिलता था, और अब्दुल रज्जाक निनुज ने ये सारी चीजें बताई और अब्दुल रज्जाक ने तो विजयनगर के वैभव को देखकर ही ये कह दिया कि भाई वहां पर इनके बारे में जो किया कि वहां पर दशहरा, दिवाली और अन्य त्योहार बहुत बड़े स्तर पर मनाए जाते हैं, क्योंकि विजयनगर का वैभव भी बहुत ज्यादा बड़ा है। बात करते हैं विरूपाक्ष द्वितीय 1465 ईस्वी में राजा बनते हैं और 85 ईस्वी तक वो शासन करते हैं। विलुप्त यानी पतन की स्थिति तो मल्लिका अर्जुन से शुरू हो जाती है संगम वंश की। विजयनगर साम्राज्य वहीं पर है लेकिन इस पर शासन करने वाला जो संगम वंश है उसका पतन शुरू हो जाता है, ठीक है। ये संगम वंश का अंतिम राजा था। इसका एक समंत थे, समंत क्या थे यानी इनके अधीन जो समंत थे उन्हें बलात्हार बोला जाता है। समंत को विजयनगर साम्राज्य में उस दौरान बलात्हार बोला जाता है। उसका नाम क्या था समंत का? नरसिंह सालुब। यही वो नरसिंह सालुब है जो कि संगम वंश के बाद में सलभ वंश की स्थापना करते हैं। ये जो नरसिंह सालुब है ये विरूपाक्ष को सिंहासन से हटा देते हैं और इस पर अपना अधिकार कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद में ये होती है घटना कि प्रथम बलात्हार के द्वारा, यानी जो समंत है नरसिंह सालुब वो विरूपाक्ष दुत्य को उनके सिंहासन से हटाकर अपना नया राजवंश शुरू करते हैं जिसका नाम था सलुब वंश, क्योंकि ये नरसिंह सालुब वंश से संबंधित थे। और यहां से फिर संगम वंश का अंत हो जाता है और विजयनगर साम्राज्य पे दूसरा राजवंश यानी सलुब राजवंश
सलूब राजवंश अस्तित्व में आ जाते हैं और इसी घटना को प्रथम क्या कहते हैं, प्रथम बलापहार, इसी घटना को प्रथम बलापहार कहा गया है और यही वो वंश है जो कि संगम वंश को विजयनगर साम्राज्य से उखाड़ फेंकते हैं। और यहां प्रथम बलापहार से भी संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं संगम वंश के राजाएं और उनके शासन के दौरान जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी उनके बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिली होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से, इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पक्का कराएंगे। धन्यवाद।